वर्ष 2003 से चले आ रहे भवन आवंटित का मामला 10 वर्ष बाद भी विवादों के घेरे में है। इसी को लेकर रोहितेंद्र तोमर और उनकी पत्नी शशिवाला के गुजर जाने के बाद मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है। इन्हीं सब बात और विवादों पर रोशनी डालने के लिए पुष्पेंद्र तोमर ने पत्रकार वार्ता कर अपना पक्ष रखा। वहीं इस दौरान उन्होंने और उनके समर्थकों ने दूसरे पक्ष संगीता गुप्ता पर तमाम आरोप भी लगाए। मकान के संबंध में एक सिविल सूट भी चल रहा है न्यायालय में, तो हाईकोर्ट ने सिर्फ इतनी बात कही है कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं है, डीएम साहब के लिए आदेश किया है, तो कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो कंप्लायंस कराएं। कानूनी अड़चन तो है, सारी सच्चाई जानने के बाद हमको मौका दिया गया है हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए। अपने टूल किट के हिसाब से ये चल रहे हैं, उसको विक्टिम दिखाते हुए। ऐसा नहीं है, आवास विकास को और तमाम दलाल उसमें मिले हुए हैं। आवास विकास को तो आवास विकास सारा पैसा जमा है, उसको तो कोई ग्रीवियंस है ही नहीं। और जो सेटल पोजेशन है उसको तो न्यायालय डिसाइड करेगा, फोर्सफुली मतलब डिस्पोज नहीं किया जा सकता। हमारे तो बस यही है कि डीएम साहब इस सब संज्ञान लेते हुए और इस कार्रवाई को 30 तारीख तक रोक दें। 30 तारीख बाद हाईकोर्ट खुद ही इनसे सवाल इनको इनकी रिट खारिज होगी और इनसे खुद इन पर पेनल्टी लगेगी जो इन्हें कंसीलमेंट किए फैक्ट्स के। हाईकोर्ट का जो भी होगा मान्य करेंगे, वो तो मान्य, वो तो सबको मान्य, कानून मानने वाली व्यक्ति है। नाबालिग होने की वजह से इसकी पूरी अचल चल अचल संपत्ति कोर्ट में जमा कर दी गई। 2014 में यह पुष्पेंद्र वारिस हुआ, बालिग हुआ, बालिग होने के बाद संगीता गुप्ता के संपर्क में निरंतर रहा 2014 से लेकर 18 तक, 20 तक, 23 तक और आज भी है। लेकिन इस मकान की लिखा पढ़ी करने को संगीता तैयार नहीं है, बेईमान संगीता, ठीक है। और पर्षद का इसमें कोई इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और एक चीज और कहना चाहते हैं, क्या संगीता 20 वर्ष तक कहां थी? क्या इन 20 वर्षों में कोई कार्रवाई आज तक की, लिखा पढ़ी की? आज इस अनाथ बच्चे के साथ जो बेईमानी करना चाह रहे, 20 वर्ष का इतने बड़े अंतराल में कोई कार्रवाई नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं। मेरा माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, ये अनाथ बच्चा, इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट से जो ऑर्डर लेके आए उसमें साफ साफ अंकित है, अगर कोई न्यायालय में कोई सरकारी अड़चन है, कोई मामला पहले से प्रावधान में है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और गुंडागर्दी के दम पर ये मकान खाली नहीं करा पाएगा परिषद। ऐसी करते करते 9 साल बीत गए, अब उन्होंने लास्ट में हमें हमारे घर से ही निकालना चाहा कि, और एकदम से ही उच्च न्यायालय चले गए और वहाँ से ये आदेश करवा लिया कि फौरन इस मकान से निकलवाया जाए। ना तो उनके पास में कोई हमारे पास में ये भेजा हुआ सम्मन है कि पहले तुम इसे 7 दिन में खाली कीजिए, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ करवा लिया, और बल्कि ये मामला ये निचली अदालत में चल रहा है और निचली अदालत ने ये आदेश दिया कि अगर नहीं, मतलब उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया अगर ये मामला निचली अदालत में चल रहा हो तो कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। तो उन्होंने ये साक्ष्य छुपाते हुए जो ये निचली अदालत में मामला चल रहा है, तो वो एकदम से उच्च न्यायालय में चले गए और हमें कुछ कहने का और कुछ देने का, हमें कुछ निवेदन है ये प्रेस के द्वारा कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं उच्च न्यायालय में जा करके कुछ मैं अपनी दलील दे।